हाल में है हम आज काफी काफी We are here to shoot our empty house tour. We are at the parking of a new building and our house is full khali hai. You're gonna see it now. And this is our new family house that a full family is gonna move in. And kaam jaldi chalu hone wala hai. To kaam chalu hone se pehle humne socha why not show you guys the full house. Let's go. Let's go. जब से हमने घर लिया है ना तब से वन थिंग दैट मे हैज डन इज ही सो एक्साइटेड अबाउट इट सो एक्साइटेड अदू इधर ये करेंगे अदू ये उधर रखेंगे इधर ये उधर वो करेक्ट दिस इज द किचन बाय द वे या द किचन का इंटीरियर यू हैव फुल लाइक लैविश विद किचन हुहु दया ये दीवार तोड़ दो ओके आदू को लिविंग रूम में झूला चाहिए शी हैज बीन अ सकर फॉर झूला तो उसने बोला कि ये लिविंग रूम में तू देख काबिली यहां पे वहां पे झाके भी जमता है एक झूला पाइजे मतलब थर पाइजे असल में नहीं मिला ले नहीं इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है झूला एंड आई बीन वांटिंग अ झूला इन द हाउस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड मे हैज गॉट दैट लेट्स चेक आउट द किचन किचन में थोड़ा लाइटिंग कम है बिकॉज़ किचन विंडो इन साइड द किचन वी हैव अ स्मॉल यूटिलिटी एरिया सो दिस इज अनदर एरिया वेयर वी प्लान टू कीप वॉशिंग मशीन एंड अवर ड्राइंग एरिया क्लोज ड्राइंग एरिया वॉशिंग का स्टोरेज एंड एवरीथिंग ये है एंड इसके अटैच्ड एक बाथरूम है फॉर आवर हेल्प वी डोंट हैव अवर 24 आवर्स मेड सो ये बाथरूम एक्स्ट्रा ही है हमारे लिए लेट्स सी सोचना पड़ेगा इसका क्या करना है मे बी वील ब्रेक दिस एंड मेक समथिंग एल्स And we have a powder washroom of sorts over here, which has a basin and a washroom. This area in the corridor, एक अच्छा सा ऐसा empty space है, where we're thinking of putting the mandir. इस अच्छा सा मंदिर बन जाएगा यहाँ पे, and इतना सुंदर लगेगा ऐसे इधर किसी मेट्रो वाले से संचालित. Now we come to our bedroom, but डिस्क्लेमर उसमें ऑलरेडी थोड़ा सा सामान आ चुका है तो है उसमें सामान पर आप ऐसे ही देखो आई एब्सोल्युटली लव हाउ सनी दिस रूम इज एज टेबल्स आल्सो वी वर लाइक कि हमारे इस रूम में धूप अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि धूप के सामने शूट करने में कुछ और ही मजा है जैसे अभी हमारे करंट रूम में भी बहुत अच्छी धूप आती है So we were very happy when we saw this and this अच्छे से धूप आ रही है So this is how our room looks. We still have to figure कि हमें बेड कहाँ रखना है और कबर्ड कहाँ आएंगे and all that. And every time me and Ming come here, we're like, नहीं ये इधर ऐसे करेंगे नहीं ये this is our favorite topic at this moment. But can't wait for the room to get done and then we can show you the entire made up room and the house.
So Agarwal, how do you envision this room? Actually, मैं इतना मतलब already ready है ना उसके दिमाग में कि हमें क्या करना है. I'm ready. यहाँ पे बेड आएगा. Okay. यहाँ पे वॉटर आएगा. ये दरवाजा, ये एंट्रेंस है हमारा, which we will shift here. I'll have a sliding door over here. जब sliding door खोलेंगे, तो ये पूरा dressing area होगा for ma'am. builder has given us a functional washroom. So yeah, यहाँ पे बस शाम में चालू करके मी अंगोड़ी खेला है. उसके बाद गीला होने वाला है पूरा, बिकॉज मैं बॉडी नहीं ना, मैं वहाँ पे बाथ मैट रखूंगी ना. तो बाथ मैट रखने वाली तो स्लाइडिंग क्यों बनाएगी? अरे बाथ मैट स्लाइडिंग के ये साइड आएगा. मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे रात को, तो स्पेशली जब ऐसे पूरे लाइट्स लगते हैं और स्ट्रीट लाइट्स लगते हैं तो मुझे बहुत पसंद है. तो ये विंडो से वो वाला व्यू है एंड आई पर्सनली आई एम गोइंग टू लव दिस व्यू. तो ये रूम में ऑलरेडी अटैच्ड सेमी वॉकिंग वार्डरोब हम बनाने का सोच रहे हैं. दिस ऑलरेडी हैज दैट, यू नो, इट्स अ मैसिव स्पेस. सी लाइक दिस मच स्पेस, आई डोंट नो इफ यू कैन सी मी, बट दिस मच स्पेस as a nice walk-in wardrobe and the washroom is attached. मतलब आप washroom से बाहर रखे, यहाँ पे आराम से change करके then हम बाहर आ सकते. It's really nice. And this is the third bedroom. This is going to be more of a guest room for us. And इधर एक तो storage का space बनाएंगे. So यहाँ पे mini command काफी अच्छी थी. हम ऐसा एक wardrobe के साथ बनाएंगे जिसमें हमारे जो heavy clothes होते हैं जो हम use नहीं करते regularly and it has an attached bathroom. And the master bedroom, the final bedroom for our mom and dad. Also, I love one thing about this washroom is that it has a his and her side. Like they have two wash basins, so his and her hai, which I think is very very exciting. अब आप ऐसे देखे जाओ तो सब लोग बोलते हैं अरे दो दो क्या करना है, let's break one and like make this into like a dressing area. But personally, I love this. I think it's very very nice and like as a full hotel room feel दे रहा है.
सो वी आर एट आर न्यू फैमिली होम. दिस इज आर न्यू फैमिली होम जहाँ पे हम पहले रहते हैं. इनफैक्ट जब अभी करेंटली रह रहे हैं वही सेम एरिया ऑफ मुंबई में है ये घर. सो वी आर नॉट शिफ्टिंग आउट वेरी वेरी फार बिकॉज ऑफ सम मेजर रीजन्स. फर्स्ट रीजन इज जो हमारा फैमिली बिजनेस है दैट इज बेस्ड हियर. सो हम लोग को उससे बहुत दूर नहीं जाना है. हमारे फ्रेंड्स फैमिली हमारी सोशल सर्कल मेरे मॉम डैड का सोशल सर्कल हमारा सोशल सर्कल सब यही एरिया ऑफ मुंबई में आता है. ऑल्सो आई बाबा and Adi and Maddie's mom dad now like yeah. Everybody is in the same area and we are like we all very close to each other. Hum log bahut paas mein rehte hain ek dusre ke, so there, it does not make any sense to you know go away out. and honestly me and May also are such family people. Like we want family, we want our people to be around us. And matlab agar koi option de matlab me ko for the longest time kabhi aisa tha hi nahi ki mujhe out of India jana hai rehne, kyunki mujhe main mere aai baba mere family ke bagair nahi reh sakti, which is why I love being in a joint family also, kyunki acha lagta hai mujhe logo ke sath ab. Aur Adi Maadi to hai hi, to सब एक साथ जब होता है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. एंड लकीली फॉर मी आई हैव आल्सो फाउंड अ पार्टनर जिसको भी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हिच इज व्हाई आई थिंक हमारा ये एकदम सेटअप परफेक्ट है. एंड नाउ आदित्य लाइक आई बाबा आदित्य मृदुल मृदुल्स मॉम डैड अस एंड आवर फुल फैमिली एंड माय ऑफिस माय फैमिलीज ऑफिस एवरीथिंग इज सो क्लोज बाय. तो मुंबई में ये होना इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग. तो एक वो मेजर रीजन था टू शिफ्ट एक वो था. सेकेंडली वी आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज जो हमारा करंट सोसाइटी है उसमें इतनी अमेनिटीज नहीं है. एंड ये सोसाइटी वी आर वेरी गुड अमेनिटीज वी हैव विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग. यू मस्ट हैव सीन लॉट्स ऑफ जिम स्टोरीज ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम जो यही सोसाइटी का जिम है. सो वी आर हैप्पी के इट्स एन अपग्रेड इन आर लाइफस्टाइल. And also from Arish's perspective, we have a cute nephew now, तो उसके लिए काफी amenities है, playgrounds है, facilities है. आप parents are on the verge of retiring, तो उनके लिए काफी अच्छा environment है यहाँ पे, काफी अच्छा social circle plus the amenities are very good, so even they will enjoy. हम लोग भी काफी enjoy as such करते ही रहेंगे. So, and हमारे मतलब हमारे पास भैया भाभी भी है, आदि मारे भी है, तो हम छह लोग सब एक साथ फन कर सकते हैं. This is empty house, so it's gonna take around 6 to 8 months आराम से. मतलब 6 महीने हमने पकड़ा है, but mentally हमने 2 महीने extra भी पकड़ा है, because उतना time लगता ही है घर में. We are on the verge of preparing closing the plans, preparing the layouts and everything. उसके बाद तो बहुत लंबा continuous procedure है. तो वी थिंक अराउंड 6 to 8 months इट टेक फॉर दिस हाउस इंटीरियर इंटीरियर्स का काम एंड एवरीथिंग. एंड देन एम तो ये है कि बप्पा को नए घर लेके आए. हमारा एम वो है कि बप्पा को नए घर में लेके आए. इफ नॉट तो दिवाली तो कर ही लेंगे 100%. मतलब वो तो हमारा मैक्स डेडलाइन है. So hope that you guys liked this video. I hope that you liked the house. If you did, give this video a big thumbs up. Tell us in the comments what you think of the house. Also, if you have any ideas, any suggestions, please comment down below. We'll love to hear them. And like we try implementing what fun ideas you guys can give. Subscribe to our channel to see the journey of how this house turns out to be at the end. And we will see you in our next video. Until then, bye.